नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कोरोना हमारे देश और दुनिया में तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं निकला। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें। दोस्तों आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इम्यूनिटी मतलब हमारा शरीर बीमारियों से कैसे लड़ता है, उसकी ताकत को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अगर आपका शरीर बीमारियों से नहीं लड़ पाता है तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। और इस समय जब कोरोना तेजी से बढ़ रहा है तो हमें बहुत जरूरी है कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, और इसके लिए काढ़ा एक रामबाण साबित हुआ है। तो चलिए काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और अब इसमें मैं 2 कप के लगभग पानी डाल दे रहा हूँ। दो से तीन कप पानी लिए और इसको मैं ऑन कर ले रहा हूँ। दोस्तों काढ़ा बनाने के लिए हमने लिया ये जिंजर। सबसे पहले मैं इस जिंजर को पानी में ग्रेट करके डाल दूंगा। तो देखिए इसको मैं इस तरह से ग्रेट करके डाल दे रहा हूँ ताकि मुझे इसमें मैक्सिमम जूस मिल सके। तो दोस्तों ये जिंजर यानी कि अदरक को मैंने ग्रेट करके यानी कद्दूकस करके उसमें डाल दिया है। और अब ये काली मिर्च, लगभग 5 से 6 दाने काली मिर्च, इसको मैं हल्का सा क्रश कर लूंगा। बहुत ज्यादा काली मिर्च को पाउडर नहीं बनाना है, खाली क्रश करके और डाल देना है। उसके बाद ये दालचीनी यानी कि सिनेमन ये लिए मैंने, इनको भी हल्का सा मैं कूट लूंगा। तो आप ऐसे हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये लौंग के 8 से 10 दाने, लौंग यानी कि क्लोव्स, हल्का सा इनको मैंने क्रश कर दिया और क्रश करके इन्हें भी डाल दिया है। उसके बाद हमने डालनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी अगर आपके पास फ्रेश हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये पाउडर रहता है, यही आप 1/4 टीस्पून ये डाल सकते हैं। तो हम अपने काढ़े को उबलने देंगे और आखिरी इंग्रेडिएंट ये तुलसी, तुलसी भी मैं इसमें डाल लेता हूँ। तो दोस्तों काढ़े को हम 8 से 10 मिनट के लिए उबलने के लिए रख देंगे और उसके बाद हमारा काढ़ा लगभग रेडी हो जाएगा। तो देखिए एक उबाल इसमें आ गया है। जैसे ही काढ़े में एक उबाल आ जाए उसके बाद आप उसको ढक लीजिए और धीमी आंच में आराम से पकने के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों आपको अगर ये काढ़ा बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है और आप नहीं पी पा रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा जैगरी यानी कि गुड़ वो भी ऐड कर सकते हो। गुड़ के इस्तेमाल करने से काढ़ा आपका थोड़ा सा मीठा हो जाएगा और फिर बच्चे भी इसे आराम से पी पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं काढ़ा रेडी होने के बाद। दोस्तों अगर आपने गिलोय के बारे में सुना है तो आप इसके फायदे भी ज़रूर जानते होंगे। जुखाम और सर्दी में ये बहुत काम आता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी बेल होती है और ये इसकी छोटी छोटी टहनियाँ जो निकलती हैं आप इनको कूट के पानी के साथ उबालते हैं और उसका पानी आप पीजिए। तो ये भी आप अपने काढ़े में इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए ये जो बेल है ये है गिलोय की। दोस्तों काढ़ा बनाने के ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने आज या कल से काढ़ा पीना शुरू किया है, हजारों सालों से हर घर में ये काढ़ा बनता आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये काढ़ा पीना शुरू नहीं किया है तो जरूर कीजिए। काढ़ा पीने के बाद आपको सर्दी जुकाम के लिए कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों काढ़ा हमारा बिल्कुल रेडी है और ये देखिए आपको इस तरह का इसमें कलर आएगा। और इसको अब हम छान के निकाल लेते हैं एक अलग से बोल में। और ये जो मसाला इसमें बच गया है
इसको आप चाय बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको एक परफेक्ट मसाला टी इस मसाले से मिल जाएगी। दोस्तों ये काढ़ा आप लगभग 100 ml के आसपास एक एडल्ट को डेली दीजिए, और अगर बच्चा है तो उसको लगभग 3-4 चम्मच आप सुबह पिला सकते हैं। तो दोस्तों काढ़ा तो अब हमारा रेडी हो गया है, और अब समय है हमारी आज की टिप का। दोस्तों क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि पहले तो मेडिकल फैसिलिटीज इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग 100-100 साल जीते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय इतनी बीमारियां ही नहीं हुआ करती थी। पर ऐसा क्या हो गया कि बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं? दोस्तों इसका जवाब आपके किचन में है। जी हाँ, आपके किचन में। आप अपने किचन में जाइए और देखिए कितने पैक्ड फूड आप खा रहे हैं, जैसे कि बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, मैगी और भी बहुत से पैक्ड फूड जो आप खाते हैं, उनको देखिए और उनमें उसकी न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन देखिए। आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों आजकल की बड़ी बड़ी कंपनीज ने ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट कर करके हम लोगों के दिमाग में एक चीज डाल दी है कि जो वो लोग बना रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी है, बट जो रियलिटी है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। आप एक बार देखेंगे न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन अपने पैकेट्स में तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप कोई भी पैक फूड उठा के देख लीजिए, उसमें कितने शुगर्स हैं, कितना आपको प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितने आपको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, आप अगर एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अगर आपको हेल्दी ही खाना है तो आपके घर में बनाया हुआ खाना उससे ज्यादा प्योर और हेल्दी कुछ नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ये पैक फूड अवॉइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने घर में बना हुआ खाना ही खाएं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि जो हेल्दी के नाम पे पैक फूड बिक रहे हैं आप इनसे बचें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन और रेसिपी पसंद आई होगी। मैं अपने इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी रेसिपीज लेकर आता रहता हूँ, और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज रेसिपी। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।